जब हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करते हैं या आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन कला संबंधित शिक्षण की बात करते हैं या शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें उसका तात्पर्य ये होता है कि जो हमारे विषय हैं भाषा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान उनमें कला को कैसे जोड़ा जाए, कला को उसको जोड़ते जोड़ते विषयों को जो अवधारणा है उसको कैसे सही की जाए, उस पर कला को कैसे एग्रीगेट किया जाए। तो आप निष्ठा के जो 12 मॉड्यूल्स हैं उसमें जो मॉड्यूल नंबर 3 है वो कला संबंधित शिक्षा की बात करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है, अनुभवात्मक शिक्षण की बात करता है। ये इसे तात्पर्य यह है कि हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट कला है विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट और लिटरेरी आर्ट जिसको कहते हैं दृश्य कलाएं प्रदर्शन कलाएं और साहित्य कला, इनको हम लोग बच्चों के अमूर्त चीजें जो उनके विषय में से है जिनको बच्चे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं उनको कैसे जोड़ें। अगर हम इसी विषय में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को करते हैं तो बच्चे का अवधारणा अच्छी होती है, बच्चे की तार्किक समझ आती है, बच्चों के अंदर में शिक्षा चुकी है, बच्चों को इसमें मजा आता है तो उसको शिक्षार्थी केंद्रित कहते हैं और ये आर्टफुल तरीके से बच्चे सीखे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे बच्चों की एक एक्टिविटी करवाते हैं हम लोग कि उंगलियों की मदद से जब बच्चों को हम लोग बारिश का अनुभव करवाते हैं, जैसे एक उंगली होते फिर दो उंगली फिर तीन उंगली फिर चार उंगली फिर पांच और बच्चे अपने उस अनुभव को जो कोई विद्यालय में लेकर आते हैं उससे वो कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी कहता है कि कनेक्टिंग क्लासरूम नॉलेज टू द वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम या वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम को क्लासरूम के नॉलेज में जोड़ना, ये दोनों चीजें जब अनुभव के बच्चों के अनुभव को विद्यालय से जोड़ते हैं या शिक्षा से जोड़ते हैं तो वो जो लर्निंग होती है वो एक मजबूत लर्निंग होती है, रुचिपूर्ण होती है। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग रुचिपूर्ण सीखने के अधिगम को बढ़ावा देता है। अब चाहे वो विषय हिंदी का हो चाहे वो विषय विज्ञान का हो, जिसमें पानी की बात कर रहे हैं अगर आप या सोशल साइंस का हो जहां पर भी पानी आप पढ़ा रहे हैं तो पानी के से जो जुड़े हुए अनुभव है वो बच्चों को देना आवश्यक है। उसी तरीके से अगर आप बच्चों को अगर हमने रंगोली की प्रतियोगिता करवाई और उस प्रतियोगिता में हमने कहा कि आपको ये करना है कि पाचन तंत्र के की रंगोली बनानी है, अब अलग अलग समूह के बच्चे अलग अलग पाचन तंत्र की रंगोली बनाएंगे, ये अगर हम कहें और तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि बच्चों ने रंगोली किस लेवल की बनाई, बच्चों ने जो अंग उसमें रखे हैं बच्चों ने अंग को कैसे अपनी जगह पर प्लेस किया है, उसकी रंगोली बनाई है, उसके कौन सा कलर इस्तेमाल किया है, ये बच्चों के अनुभव को मजबूती प्रदान करता है। और हम एक टीचर इसमें ये असेस करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीनों काम उसमें हो सकता है। आप कहें तो सीखने के रूप में आकलन जो है वो उसमें कर सकते हैं कि बच्चे अपने अपने रंगोली को देख रहे हैं, अपने दोस्त की रंगोली को देख रहे हैं और दोनों असेस कर रहे हैं कि मेरी रंगोली और उसकी रंगोली में क्या फर्क है और उसमें वो चीजें और क्या होनी चाहिए ताकि मेरी रंगोली हमारे दोस्त की रंगोली से और बेहतर बने। तो ये सीखने के रूप में जो आकलन है ये बच्चे कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है वो न सिर्फ शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं का एक अभिनंदन है बल्कि ये जो शिक्षण की जो आकलन है उसका भी अभिनंदन है। और वो इम्पोर्टेंट जो चीजें हमने निर्देश कराया प्रदर्शन कराया वो हम अपने क्लासरूम के ट्रांजेक्शन में करते हैं। क्लासरूम के ट्रांजेक्शन में बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफी है या प्रिंट मेकिंग है या स्टेज आर्ट है, क्ले मॉडलिंग है, स्कल्पचर है, मूर्ति कला है, अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये सारी चीजें जो है वो दृश्य कला है। दृश्य कला से तात्पर्य जो होता है जगह कला है जिनको हम देख सकते हैं जिनको सराह सकते हैं और ये जो है प्रदर्शन कला है वो है जिनको स्टेज पे या अन्य जगहों पर जिनका प्रदर्शन होता है जिसमें हाव भाव व्यक्त करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देखते हैं होता ही है कि जो गायन का हुआ या डांस का हुआ या रंगमंच है कठपुतली है मुद्रा अभिनय का आमतौर पर धर्म शैली की एक्टिविटी करवाते हैं, डांस की कंपटीशन है, कहानी वाचन है, मार्शल आर्ट है, जादू का प्रदर्शन है, सिनेमा है और गायन वाद्य यंत्रों का प्रयोग है, ये सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स आती है।